बाइक के अंदर साइलेंसर कौन सी कंपनी का या कौन सा साइलेंसर लगाऊं, जिससे जो दोनों पत्नी है बाइक के साथ स्टॉक होती है, हाइट को लेके ना रोना रहता है। ये देखो चैम्बर, यहाँ पे देखो चैम्बर कितना ज्यादा लीकेज दिख रहा है आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू ए स्प्रिंग, दोस्तों स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आप ये पूरी सीरीज देख रहे हो, हम जो कावासाकी Z250 को एकदम नया बना रहे हैं। जैसे कि आपने इसके पहले पार्ट देख लिया होगा जिसके अंदर हमने आपको फेयरिंग दिखाई थी, दूसरा पार्ट जो था इसके बाइक जो हमने स्टार्ट करी थी और उसके अंदर जो है बैटरी चेंज आई थी। तो मैंने कहा भी था उसमें लास्ट में आपसे कि अभी तो मुसीबतों का पहाड़ टूटना बाकी है, तो ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर बहुत सारा काम है और उस काम को कैसे सॉल्व करेंगे वो तो आपको पता लगेगा वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर की, क्योंकि बाइक को काफी टाइम हो गया खड़े खड़े वर्कशॉप के अंदर, और जब बाइक एक ही जगह पे खड़ी रहती है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो टायरों पर ही पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा बाइक की बॉडी का जो वेट होता है टायरों पर ही आता है। तो इस बीच में क्या होता है, जो टायर में हवा हम 3 साल पहले डाल के रखते हैं, मुझे नहीं लगता हवा बचती है, क्योंकि हवा धीरे 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 लीक होती है, हवा को कोई रोक नहीं सकता। तो पीछे वाले टायर को हमने देखा है तो उसके अंदर तो हवा बहुत ही ना के बराबर है, फ्रंट वाले में थोड़ी सी हवा है अभी बाकी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसके टायर को देखते हैं और टायर की कंडीशन देख फिर आपसे वार्तालाप करते हैं कि इसके साथ क्या करना है। चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों ये देखिए, ये रही Z250 कावासाकी जैसे कि आपको नजर आ रही है, और ये मेरे पास बहुत सालों से खड़ी हुई थी, इसको एकदम से नई बनाएंगे। आपने बॉडी किट तो देख लिया और इसके अंदर जो एक मुसीबत है, जो एक परेशानी है, उसको भी ठीक करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले टायर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टायर अगर जैसे बाइक खड़ी रहती है तो टायर के ऊपर तो सबसे ज्यादा लोड पड़ता है। इस बाइक को चलाया तो नया टायर डलवा के ही, मतलब मैंने फिर ये खड़ी कर दी थी, तो आप टायर देख सकते हो ज्यादा नहीं चला हुआ, थोड़ा बहुत चलाया था मैंने, टायर की कंडीशन देख सकते हो ठीक है। लेकिन जब रबड़ पार्ट जब इतने दिन से काफी टाइम से पड़ा रहता है एक जगह, जो रबड़ की क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो दोस्तों ये जो रबड़ पार्ट होते हैं खड़े खड़े, इनके अंदर भी दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो रबड़ होता है जब तक चलता रहता है तो प्रॉपर काम करता है, खड़े खड़े क्या होता है थोड़ा सा हार्ड बनने लगती है, रबड़ पार्ट जो होते हैं खड़े खड़े हार्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे इस टायर में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी। बाकी चेंज करना है नहीं करना है वो आप कमेंट करके मुझे बताना, क्या मुझे ये टायर चेंज करने चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बाइक आप देख सकते हो सुपर बाइक है, 250 cc बाइक है, भागने में कम नहीं है, भागती भी अच्छा है, और प्लस इसके अंदर ABS नहीं है। तो उसको देखते हुए टायर के ऊपर मुझे कमेंट जरूर करना कि चेंज करना चाहिए नहीं चाहिए। चलो दोस्तों पीछे वाला टायर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे वाले की थोड़ी सी हालत जो है बहुत ज्यादा खस्ता है। तो ये देखो ये इसके अंदर तो काफी ज्यादा हवा निकल गई है, ये देखिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये देखो ये टायर है बिल्कुल पिचक चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पीछे वाले टायर तो फिर भी ठीक है, आगे वाला टायर तो फिर भी ठीक है, लेकिन पीछे वाले टायर की जो है हालत खराब हो गई है। तो इस टायर के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस बाइक के अंदर किस कंपनी का टायर लगाऊं जो मुझे लीन करने में मजा आए और रोड पे एकदम बाइक जो चिपक के चले, कॉन्फिडेंस अंदर से आए कि लीनिंग वीनिंग करने में दिक्कत ना आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कौन सा टायर इसके अंदर डालूं। ठीक है, बात खत्म होती है यहाँ पे इसके टायरों की, तो टायरों की तो हम कर लेंगे, आप लोग हमें मुझे सजेशन कर ही दोगे तो मैं उस हिसाब से टायरों का काम जो है कंप्लीट कर दूंगा। अब बात करते हैं इसकी जो सबसे ज्यादा मुसीबत होती है वो है इसकी, वैसे मुसीबत की बात बाद में हम करते हैं, मेरे को इसकी थोड़ी सी आप खुद देखो ध्यान से देखो एक बार दिखाओ इसकी जो है, मुझे हाइट कम लग रही है, मैं पहले बैठ के दिखाता हूँ यार एक बार ना, बैठता हूँ फिर आप जज करना जो इसकी हाइट है। थोड़ी सी हमारी वर्कशॉप छोटी है ना, तो इसकी वजह से पूरा व्यू नहीं आ पाता भाई, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसके लिए जगह बनाता हूँ पहले मैं थोड़ा सा। ये देखो अब ठीक है, तो देखो ये मैं पूरा बैठ गया हूँ, हवा का मैं मानता हूँ इस बात को ठीक है, हवा जब पूरी डल जाएगी फिर मैं आपको एक बार चेक कराऊँ। देखो ये बैठ गया यहाँ पे, मेरे पैर बड़े आराम से आते हैं इसमें, ये कंफर्ट है, और हवा डलवाने के बाद देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। तो इसकी हाइट को ना, हाइट को लेकर ना रोना रहता है कसम से, जो Z250 सीरीज है ना, अब तो मुझे लग रहा है BS6 में तो हाइट बढ़ा दी है, लेकिन जो 15, 16, 17 में थी ना उनकी हाइट बहुत ही कम थी। तो हाइट कम का बहुत ज्यादा नुकसान है, अगर हाइट कम होगी तो इसको आप जो सड़क है ना अगर चिकना है एकदम प्लेन है तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर आपने गलती से चिकने रोड से नीचे की तरफ उतारने की कोशिश करी, रोड से नीचे उतारी और अगर हल्का फल्का भी गड्ढा है ना वहां पे, तो भाई ऐसा लगता है, बस ऐसा क्या लगता है, नीचे जो है ना चैम्बर वो उसमें जमीन ऐसे से टकराती है, और अगर मान लो मिट्टी है तब तक तो ठीक है, अगर वहां पे पत्थर आ गया ना तो चैम्बर का कांड हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है ना इसकी हाइट को लेकर भी है कि इसकी जो हाइट कैसे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले टायर में एक बार हवा डलवाता हूँ, उसके बाद इसकी हाइट चेक करते हैं, और फिर भी कम लगती है तो फिर देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ना बाइक के टायर के अंदर हवा भरवा ली है, तो मैं आपको इसके ना एक बार ग्राउंड क्लियरेंस चेक कराता हूँ। देखो ये देखो इधर आओ,
सबसे पहले तो आप पीछे टायर देख सकते हो, हवा डलवा दी मैंने इसके अंदर, ये देखो। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये साइलेंसर आता है जो सबसे ज्यादा नीचे, और देखो इसमें उंगली लगा रहा हूं ना, यहाँ पे गड्ढा भी हो रहा है, यानी कि ये भी टच हो चुका है। और ये देखो चैम्बर, यहाँ पे ये देखो चैम्बर कितना ज्यादा लीकेज दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा नीचे जो लगता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बार बार टूटता रहता है। और देखो ये हाइट है बस इसकी, ये देख रहे हो, ये साइलेंसर के पास तो और कम हो जाती है, चैम्बर के पास थोड़ी सी बढ़ जाती है सूत वूत वगैरह, तो ये देखो। और अभी तो ये टेढ़ी है साइड स्टैंड पे, और मैं इसको सीधा करता हूँ, आराम से ध्यान से भाई गिर जाती, तो देखो और भी कम हो गया। ये सिर्फ सिर्फ इतना, इसके अंदर इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस है बस, इसके अंदर कितना आएगा पता नहीं, जो भी है सिर्फ ज्यादा एक स्केल जो होता है ना अपना 15 mm के करीब, इतना भी नहीं है, मतलब कि बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आज इसके ग्राउंड क्लियरेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो चलिए दोस्तों इसके अंदर ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा। सो फाइनली गाइज हाइट जो बढ़ाने के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप पूरी वीडियो देख रहे हो, तो देखो पीछे से देखो कितनी उठी हुई लग रही है, देख रहे हो। पहले जब आपने बाइक देखी थी तो थोड़ा फ्लैट थी, कम थी मतलब हाइट, अब देखो अच्छी खासी हाइट उठ रही है ऊपर की तरफ पीछे से, देख रहे हो ये देखो। और अभी हम यहाँ पे काम चल रहा है इसका, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। देखो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा अच्छी खासी हाइट नजर आ रही है, देखो यहाँ से, ये देखो ये देखो ये यहाँ से देखो आप ये देख रहे हो कितनी हाइट बढ़ रही है, मतलब इतनी हाइट बढ़ जाएगी कि मुझे ना कहीं से भी निकालने में ना डर नहीं लगेगा जैसे पहले लगता था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से अभी हम काम कर रहे हैं, और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमने ये नट बोल्ट खोल लिए हैं कुछ यहाँ पे, तो इसकी जो अब हाइट का काम चल रहा है, और जैसे ही हो जाएगा या इसको चेक करेंगे बीच में भी आपको बताता रहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दोनों पत्नी है ये खोल दी है, जो कि बाइक के साथ स्टॉक होती है, ये देखो गंदी कितनी है, उनको साफ सफाई करेंगे, और इसके बाद जो है इसमें कुछ काम चलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो आपको नजर आ रही है ये पत्ती स्टॉक है, बाइक के साथ ही आती है, और हम कुछ ऐसा करेंगे इसी पत्ती के अंदर जो थोड़ी सी जो हमारी हाइट है वो इंक्रीज होता है, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, जो कि नीचे लगने से बार बार दिक्कत आती थी। चलिए दोस्तों ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि बाइक की जो है हाइट बढ़ जाए। सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो बाइक की हाइट बढ़ चुकी है, और बाइक की हाइट इतनी बढ़ी है ना भाई, मजा आ गया कसम से, एक बार मैं आपको ना इसकी हाइट दिखाऊंगा। और दोस्तों हाइट अगर आपको पसंद आ जाए ना तो अभी के अभी चैनल को लाइक कर लेना। चलो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हाइट दिखाता हूँ इस बाइक की, देखो पहले आपने अगर एक बार पीछे करके वीडियो चेक कर लेना, जब मैं बैठ रहा था तो मेरे पैर कितने आगे तक और कितने मुड़ रहे थे, ठीक है। और अभी जब मैं बैठूंगा तो मेरे पैरों पर ध्यान देना कितने हैं, ये देखो भाई। सबसे पहले तो इस तरीके से बैठने से ही पता लग रहा मुझे कितनी हाइट हो गई है, देखो मतलब मेरी तो हाइट ठीक है पहले से, लेकिन देखो बाइक के हिसाब से मजा आ गया। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसका फटाफट से, ठीक है। और अगर दोस्तों आपके पास भी Z250 लेजेंड बाइक है या निंजा 300 है और उसके ऊपर आप हाइट से परेशान हो, तो आप हमारी वीडियो देखकर हमारे पास आ सकते हो, और हम आपकी हाइट भी इसी तरीके से अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। तो हाइट जो बहुत ही बढ़िया बढ़ चुकी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना खुश हूँ इस हाइट से कि अब मेरे को लग रहा है जहां मर्जी लेके कूद जाऊंगा, मतलब कूदूंगा तो नहीं फिर भी बच के चलूंगा, लेकिन भाई अब कॉन्फिडेंस जो आ गया ना अंदर से वो एकदम बढ़िया वाला आया हुआ है। एक बार इसकी मैं आपको हाइट चेक कराता हूँ सबसे पहले, तो ये देखो फटाफट से आओ भाई, ये देखो नीचे की तरफ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, ये तो अच्छा खासा मतलब एक आधे हाथ का गैप आ गया है, मजा आ गया। और नीचे की तरफ देखो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो भाई साहब, ये देखो क्या हाइट मिली है। और भाई इसके अंदर ना कोई गलत काम नहीं हुआ, गलत काम सिंस जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वेल्डिंग वगैरह से मैं बच के रहता हूँ, तो इसके अंदर जो काम हुआ ना एकदम स्टॉक कंपनी की तरह काम हुआ है। जब हम भगा रहे हैं और कुछ टूट फूट के गिर जाए ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टॉक काम किया है। और वो क्या काम किया है वो मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, और आपकी बाइक में भी दिक्कत है तो आप हमसे करा सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे नीचे दिखाओ एक बार, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह चेक कराओ, ये देखो क्या हाइट है, देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि आपको ये नजर आ रही है ऑयल ड्रेन नट है, ये बहुत नीचे था, ये इतना था ये देखो, और भाई अब इतना बढ़ गया कसम से, बहुत ही बढ़िया इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। और इसमें यही रोना रहता था बस, के जब मर्जी चैम्बर टच हो जाता था, जब मर्जी पीछे का साइलेंसर टच हो जाता था, और दिक्कतें आती रहती थी, और इसका बार बार चैम्बर टूटता ही रहता था। तो भाई इस प्रॉब्लम से ना बच गए हम, तो फाइनली यहाँ पे, और पीछे देखो यहाँ पे साइलेंसर ही नहीं है भाई, यहाँ से साइलेंसर ही गायब कर रखा, और साइलेंसर मैंने इधर रख रखा। और आप कमेंट करके मुझे बताना कि इस बाइक के अंदर साइलेंसर कौन सी कंपनी का या कौन सा साइलेंसर लगाऊं जिससे कि आवाज एकदम धासु आए। और देखो भाई पीछे से ना बहुत ही प्यारी लग रही है, देख रहे हो ये चीज देख के ना, हर सुपर बाइक के अंदर ये जो गैप होता ना ये बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब इसके बाद ना पीछे की टेल टाइटी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, और जो मोटा टायर भी लगा सकते हैं। ये भी वीडियो बनाऊंगा मैं एकदम से निकल के आ रहा है, आप भी कमेंट कर सकते हो और किस टाइप की इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ वो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो कि इसके ऊपर इस बाइक में वीडियो बनाओ। फाइनली वो हो गई है ग्राउंड क्लियरेंस कंप्लीट, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है कसम से भाई, मजा आ गया इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं इसके साइलेंसर को, और हाँ दोस्तों आपको कमेंट करने हैं
कि मैं इसके अंदर साइलेंसर जो है किस कंपनी का लगाऊं और कौन सा साइलेंसर लगाऊं जिसकी वजह से आवाज भी मस्त आए एकदम। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन सा साइलेंसर लगाऊं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से साइलेंसर ये वाला तो अभी साइलेंसर लगा देते हैं, बाकी आप कमेंट करोगे तो वो वाला साइलेंसर किसी ना किसी पार्ट में जरूर लगा दूंगा। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है स्टॉक साइलेंसर लग चुका है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और हाँ इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ चुकी है, देख सकते हो आप काफी हद तक जो इसकी हाइट है बढ़ चुकी है। और अगर दोस्तों आपके पास भी निंजा 300 बाइक है और भी कोई बाइक जिसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस कम है वो आप हमारे पास आ सकते हो। हमारी वर्कशॉप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पे आप क्लिक करके सीधे हमारी वर्कशॉप पे आ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।